दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज प्लान तो मेरे बहुत सारे थे, बहुत सारी चीज़ें करनी है। जब हमें कहीं पे जाना होता है ना, आज मेरे दोस्त के घर जा रहे हैं हम डिनर के लिए, और मैंने सोचा कि मैं कुछ बना के लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर आप घर से वो घर पर कुक कर रही है डिनर, तो अगर आप कुक करके ले जाए ना तो फिर अच्छा हो जाता है, दो चार डिशेज हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं साग पनीर बना के लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा साग पनीर बना लेती हूँ मैं। एंड दूसरा मैंने सोचा है कि एंट्री के लिए मशरूम 65 ले जाऊंगी। सो वो दो चीज़ें कुक करनी है। ग्रॉसरी मैंने एक्चुअली कल ही कर ली थी, पर एक दो चीज़ें लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अगर मशरूम 65 की रेसिपी जानना चाहते हैं ना, मशरूम 65 एंड से मोर करके सर्च करना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छी रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस बनती है वो स्नैक, अच्छा स्नैक है वो। सो ये तो दो चीज़ें बनाऊँगी। और मुझे दो तीन काम आ गए हैं बाहर के, अब मैं जल्दी से जाऊँगी और आके मैं कुकिंग शुरू करूँगी। एंड मैंने सोचा कि आज व्लॉग भी करते हैं। पता नहीं मैं वहाँ पे जाके व्लॉग करूँगी या क्या व्लॉग करूँगी क्या नहीं करूँगी, पर व्लॉग करना शुरू कर लिया है। सो देखते हैं कि क्या होता है, वील गो विद द फ्लो। एंड यस, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें कर सकती। सो लेट्स गो स्टार्ट विद द डे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा बंदी हूँ एंड बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं। और अगर आप मेरे से कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर ले, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे डेली अपडेट्स देते रहती हूँ, एंड फिर हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे आ जाएंगे। सो या दैट्स इट। सो साग हो चुका है तैयार, एंड अब मैं कुक करूँगी मशरूम 65। जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके सर्च बार में मशरूम 65 सर्च करेंगे, या फिर मेन जगह पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्नैक है। आपके जो रिश्तेदार आएंगे या गेस्ट आएंगे ना, हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे खा के, इतना डिलिशियस बनता है ये। जिसको मशरूम के साथ नफरत भी होती है ना, वो भी इसे खा के खुश हो जाता है। सो अपने आप को कुक करते हुए मुझे एक ख्याल आया है कि कितने प्यार से कुक करती हूँ मैं, राइट? अभी सोचा जाए, मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं बहुत ही प्यार प्यार से इसलिए कुक करती हूँ। ओह, आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि जब आप प्यार से कुक करते हैं ना, चीज़ें ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं, और जब आप कुक करते हैं ना, उसमें सारी एनर्जी आ जाती है आपकी कि आपने कैसे कुक किया है। इसीलिए जब आप गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं ना, कितना स्वादिष्ट लगता है और कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है वो। आप ना लाइक दिल पड़ जाता है आपका कि ओह माय गॉड, संतुष्टि हो गई, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पाठ चलता रहता है। सो इसी तरह मेरे कुकिंग करने का यही होता है कि जब मैं कुक करती हूँ ना, बहुत प्यार से करती हूँ ताकि अच्छा खाना बने। एंड अगर मेरा मन नहीं करता ना बनाने के लिए, फिर मैं नहीं करती हूँ। पर यार ये तो है, अगर मुझे ऑप्शन मिलेगी, तुम्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम रानी बन के बैठ जाओ और कोई खिलाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा मुझे। सो जिस दिन हस्बैंड डिनर कुक करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। सो वो डिनर में क्या कुक करते हैं, वो एक्चुअली लाइक सैलड बना लेते हैं, लाइक स्टीम कर लेते हैं ब्रोकली, पोटैटोज़ को बेक कर लेते हैं, या सैलमन बना लेते हैं ग्रिल्ड, बहुत अच्छी सैलमन बनाते हैं। और सो वो अच्छा हो जाता है। ऐसे छोटी मोटी चीज़ कर सकते हैं वो, इंडियन तो नहीं कर सकते, पर उनकी सैलमन कितनी अच्छी बनती है उसका गवाह एक लेके आती हूँ मैं। पर मुझे सैलमन पसंद नहीं है ज़्यादा। एक गवाह को बुलाते हैं, हिमैत, इधर आयो। कैन यू टेल एवरीबॉडी डैडी सैलमन? डैडी सैलमन इज द बेस्ट बिकॉज ही हैव अ सीक्रेट कवीडियंट एंड हिज सीक्रेट कवीडियन एंड इट्स सो गुड। एंड ओके, let me set up this. So I want you to guess what you want. Okay. Which one do you... Okay guys, जो हम बचपन में खेलते थे ना, टिकटॉक टिपटॉप टिपटॉप, वो जो फ्यूचर फॉर्चून टेलर होता है, वो हिम्मत को बना के दिया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा खुश है, वही खेल रहा है काफ़ी देर से। I forgive you. I'm sorry. I
बहुत सारे दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करूँगी, पर मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर करने के लिए आई हूँ, कुछ आई हूँ करने के लिए। मैंने कुछ ड्रेसेस ख़रीदी हैं। लुक एट दिस क्यूट समर ड्रेस, आई होप आपको पहन के दिखा पाती हूँ, पर मेरे पास इतना समय नहीं है। सो एक ड्रेस है, ये फ्लोरल है, पूरी आर्म्स है इसकी, फुल स्लीव्स। मुझे फुल स्लीव्स और ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है, एंड मेरे नीस से नीचे हो, लंबी हो, जितनी ज़्यादा लंबी हो उतना अच्छा है। सो ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी ड्रेस है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये अंदर वाली बाँह भी अंदर है। एक मेरी फेवरेट रंग की ड्रेस खरीदी है मैंने, ये भी हडसन बे से ली है मैंने, ब्रांड का नाम है मून रिवर। बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी ड्रेस है, ब्लैक रंग की। यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं करना चाहें तो। इसकी आर्म्स ऐसी है, और ये आर्म्स है ना जो सी थ्रू है, और ऐसी ड्रेस को आप कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने पैक कर दी है, मुझे पता नहीं कौन सी मैंने ली थी कौन सी मैंने नहीं ली है। अब जब भी कभी पहनूंगी तभी दिखा पाऊंगी, हॉल होल तो गई खूह में, नहीं हो पाएगी। सो एक मैंने ये ड्रेस ली है, ये बहुत ही प्यारी नूड शेड की मैक्सिकन की ड्रेस है ये। इसका गला आप देखें कितना प्यारा बना हुआ है, फुल स्लीव्स है ये, और इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने ली है मार्शल से, और ये है काइली एंड कैंडल ब्रांड से, एंड बहुत ही प्यारी क्यूट सी ड्रेस है ये। एंड ये वाला कलर भी मेरा फेवरेट है, मुझे ये कलर पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मुझ पे कैसी लगती है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं शेयर करूँगी एंड ऑफ द डे। सो एक मैंने और ड्रेस ली है, ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी फ्लोरल नूडी शेड है ये भी समर्स के लिए, और ये मैंने ली है H&M से। ये अभी भी H&M पे अवेलेबल है अगर आप लेना चाहें तो। सो यह काफ़ी अच्छी प्यारी ड्रेस है, पर ये काफ़ी लूज किस्म की है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि बेल्ट पहनूंगी इसके साथ। ओके, एक और ड्रेस है दिस वन, ये भी काफ़ी लूज किस्म की है पर बहुत लंबी है, एंड फुल स्लीव्स, बहुत ही एलिगेंट किस्म की लगेगी। इसे भी आप कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ये है जो फ्रेश ब्रांड से, एंड या शिफॉन जैसा इसका मटेरियल है, फैब्रिक आई मीन। ओके, सो ये वाली ड्रेस आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देखी होगी, बहुत ही प्यारी फ्लोरल्स फ्लोई सी स्कर्ट है शिफॉन मटेरियल की। ये मैंने H&M से ली थी, ये भी H&M पे मोस्ट प्रॉब्ली अवेलेबल है इस समय, और इसकी फिटिंग बहुत मज़ेदार लगती है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा पहन के। इसमें एक और कलर भी है ग्रे, मैं वो लेना चाहती थी पर उस मेरा साइज़ नहीं था, पर या आप ज़रूर से पहने ये ब्लैक ड्रेस ना, फिर मज़ा आ जाएगा। वो है ये बहुत ही प्यारी क्यूट, ये ब्राउन बर्नड ऑरेंज किस्म की बर्नड ऑरेंज किस्म का शेड है। आर्म्स उसकी इस तरह की है, एंड काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्रेस है। ये पहन के देखूंगी मैं। ये मैंने ली है फॉरएवर 21 से, फॉरएवर 21 के ऑनलाइन वेबसाइट से, forever21.ca से। दो मैंने शूज़ भी खरीदे हैं वहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से। सो एक तो है ये ट्रांसपेरेंट किस्म के शूज़, ट्रांसपेरेंट ही हील है, 3.5 inch की है अराउंड, एंड मुझे पता नहीं कि मैं इसे पहन के कितनी देर तक डील कर सकती हूँ, बट यू नो सम पिक्चर्स के लिए या वीडियोस के लिए। सो ये मुझे मिले हैं $17 में फॉरएवर 21 की वेबसाइट से। अभी भी मुझे लग रहा है वहाँ पर सेल चल रही है, अगर आप लेना चाहें तो खरीद सकते हैं। सो दूसरा जो पेयर है वो है दिस वन, ये भी $17 में, कैन यू बिलीव। और इसकी हील थोड़ी पेंसिल किस्म की है, पर फॉर सम reasons ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल किस्म के शूज़ हैं। हील्स पहनने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, पता नहीं इस एरिए की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि कम्फर्ट है इसमें। सो या दैट्स दैट। सो ये हो गई है हमारी नन्ही सी हॉल। ओके दोस्तों, मेरा कुकिंग से डन हो गया है, जल्दी से मैं थोड़ा सा अपने मेकअप को करूँगी रिफ्रेश, एंड अपना ड्रेस पहनूंगी, एंड देन हम ऑलमोस्ट रेडी हैं जाने के लिए, क्योंकि हम गप्पे लड़ाना चाहते हैं एंड चिल करना चाहते हैं। सो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। यार तुम मेरी तारीफ नहीं की थी बहू, तुम मेरी तारीफ नहीं की थी। तुम गजब लग रही हो आज, तुम तो आज गजब लग रही हो, क्या दिन चढ़ा है आज, तो फूल खिल रहे हैं। ला ला ला।
नकली नहीं असली करो असली बढ़िया लग रही है कुड़िए बढ़िया लग रही है हां अगेन फेक सच अ फेक गाय मीमी वाला देखो हिम्मत लुक एट मी आई लाइक यू इट्स सो क्यूट देखिए और सब मैं वापस आ गई हूँ एक दो दिन के बाद कल भी हम बहुत ज़्यादा बिजी थे एंड उस दिन भी मैंने व्लॉग नहीं किया ज़्यादा आई डोंट नो गाइज मैं आके क्लोजिंग कर पाऊंगी मेरे व्लॉग की या फिर मैं वहाँ पे वीडियो शूट कर पाऊंगी या नहीं आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा है एंड ऑल्सो मुझे ये जरूर बताना कि आपको मेरी कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं ड्रेसेस पहन के कितनी खूबसूरत लगती हूँ कैसी लगती है मुझ पर और मैं कैसे स्टाइल करती हूँ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें वहाँ पर मैं पिक्चर्स अपलोड करूँगी एंड मैं मिलूंगी नए वीडियो में मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बाय लव यू सो मच